का तोर बस चलत गड़ियम पेसला पानी तनी गर्मा दे तो बर्तन धुल दे मारत है सारे पानी इतना ठंडा हम उत्ता पन ठंडी ठंडा धुल भाई पानी थोड़ी गर्मा। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस समय मैं हूँ प्रयागराज में, प्रयागराज में मैं हूँ नहीं, बहुत दिनों से हूँ। और ठंडी का समय इतनी विकराल भाई साहब ठंडी है ना कि सोचिए, इस समय जो टेम्परेचर है प्रयागराज का 4 डिग्री मिनिमम जो है 4 डिग्री है। और समय हो रहा है अब कि 1 बज रहा है और इतनी बाहर से इतनी बर्फीली ठंडी हवा चल रही है ना, पढ़ाई का तो एकदम मन नहीं कर रहा है। इसमें देखिए, इधर जो मेरा है किचन सेटिंग है, कल का बर्तन है यानी कल दिन का बर्तन है, रात का बर्तन है, अब जो है खाना बनाना है। 1 बज गया लेकिन अब तक बस बर्तन धुलने के कारण जो है खाना नहीं बना है। और यहाँ पे देखिए ब्लोवर चल रहा है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और बाहर चलिए, जो मेरा पार्टनर है ना वो गया है बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि उसी का टर्न है। तो सुबह अब बाहर आ गया हूँ मैं, और इतनी ज़्यादा ठंडी है ना, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि जितने लोग हैं, चाहे वो प्रयागराज हों या कहीं हो, घर मेरा है वैसे गाजीपुर है, लेकिन वहाँ पे भी घर पे फ़ोन किया था तो मम्मी और पापा बता रहे थे बहुत ज़्यादा ठंडी है। और है ना, देखिए इसको 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 और इसको सब चीज़ों को रख दूंगा ना, फिर देखिएगा इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सुबह चाय बना था तो उसका बर्तन है, और ठंडी इतनी खतरनाक पड़ रही है ना भाई साहब, इतनी ज़्यादा खतरनाक ठंडी पड़ रही है कि सुबह ब्रश करने पे जो है, मैं जब पानी को मुँह में लिया था तो दांत पूरा एकदम समझिए कि बर्फ वाली पानी, यानी कि गांड फट जा रही थी इतनी ज़्यादा पानी। और सुबह से ही रजाई बस मैं ढुका हुआ हूँ, अब मैं ही नहीं कोचिंग भाड़ में जाए, जान बचेगी तो बहुत पढ़ाई होगी। तो यहाँ पे रजाई, और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि रजाई में रहिए, कोई काम उम ना कीजिए, गान बाढ़ में जाए, सब काम होगा, काम जान बचेगी तो बहुत उपाय मिलेगा आपको। कहाँ भर ले रे, कहाँ का भर है, यही माँ काट तू का तोर बस चलत गड़ियम पेसला पानी तनी गर्मा दे तो बर्तन धुल दे मारत है सारे पानी इतना ठंडा हम उत्ता पन ठंडी ठंडा धुल भाई पानी थोड़ी गर्मा। कौन सी पानी गर्माई, जो शरबत पी के रख ले हो ना, चाय लड़वा लहसुन कहीं का वीडियो बनाओ, फिर सारे मैं वीडियो ससुर पक्का ही वीडियो बनाओ तो मजाक ना, ये भैया हमको वायरल मत कर दी भाई, यार बहुत ठंडा है, पानी गर्म कर दो। चाय नहीं पियो हो तो, अरे चाय पी ले ही तो हम का धोआ बना बबुआ जान ली, तो वो कौन धुले, यानी तुम भी हाथ ठंडा करो हम भी ठंडा करें, टर्न किसका भैया, टर्न गए लाड़ चाटी भाई, काल तो एक कुकर धो ले रहना, घबरा मत, काल का पारा और कम होता गणिया में घुस भी पारा। हाँ तो तोर तोर बारी हुई पर कल हमारी बारी हो रही थी, बहुत ठंडी लग रही था, पता नहीं लगनी बोल रहा है, मेहरारू लाओ जल्दी रे हमके मेहरारू ने लाड़ मिली चला, पढ़ लिख के नौकरी पे बात मेहरारू मिली, नहीं तो ससुर ये जिंदगी में बर्तन धोवल जा मजा घसा जा। मालकिन का बुलाई कहाँ थी, बुलाओ बुलाओ, अरे बुलाओ थी काले की आओ कटरा और दूर नहीं हुआ, अपन तुमसे कहा था चल कटरा, चल कटरा चल चल के रूम देख कटरा। तू पहले वीडियो बना बंद कर ले सारे, मेरा पापा ने देखे पारा जो है ना इतना डाउन हो गया है कि गांड में घुस गया है पारा। चलिए मैं दिखाता हूँ बर्तन धुलने का स्टाइल, डर तो मेरा नहीं है। कारे का हाल है पानी का, ये तुम्हारे प्रिवेंशन और देख पाता
दिल चाहो वाली दो दिए भैया बाबू, फुल्की पता से मैं खिलाऊंगा। जान की झाड़ सुन का लाल धो थी चाय वाला तरवा वो थोड़ी पिया दे आकाश का लंडना ढूंढा उसे चाय वाला। यार कल का जो चाय पिला थे तो कौन दूला था के? कल नहीं परसों रात में पिए थे वो कौन दूला? उसे मतलब नहीं है, हमारे यही तक बर्तन ना है, चल ज्यादा दो तिहाई मत। हाँ धुल देना यार, हम पानी गर्म करे थे लंड हो गई यहाँ पूरा बर्फ हो गया दुखाए लगा मार इतना ठंडा पानी वो सड़ी पानी हाँ टूटा था देखा गिलास हो गई टूटा था मेरा ढक्कन का छोटे वाले कुकर का ढक्कन ले रहा ये ढक्कन गाड़ी में ढक्कन लगा दे लंड जो हटता है सारे है भाई देख पूरा अंदर बाहर सब गंदा भाई ये प्लीज एक रखिए हां मैंने एक रखिए ना मत लंड ना खिलो हम पहले देख कितना गंदा है लाल गंदा अब उसे दाल बनने का काम के तक अब तो काम करिए मत ऐसे दाल बन जी गंदा भाई साहब देखो कितना गंदा देखो देखो तो देखें यही होती है ठंडी में बर्तन धुलना सबसे बड़ी बात होती है। पानी इतनी ठंडा पानी इतना ठंडा है कि और ठंडी भी बहुत भयंकर है। फ्राई दाल बनेगा कि दाल फ्राई? काल आप खोरई मती दाल फ्राई बने कि फ्राई दाल बनेगा? एक का मती एक दोनों उल्टा सीधा। फ्राई दाल के मतलब पहले फ्राई कर दो फिर दाल डालो फिर चुराई दो। हाँ वो नहीं बनेगी। ठीक है अब दाल फ्राई ये हुआ। अब फ्राई दाल के दाल फ्राई मतलब जो दाल बना के इसके बाद जो तड़का लगाया जाता वो। हाँ तो कौन सा दाल बनेगा? तड़का लगाया जाता वो। तो तड़का लगाना एक नंबर का। जवानी झंड है ना। बोलो बस जिंदगी जहर हो गई लेकर बही बोला क्या था वो बहु देर चला बर्तन धोवा फिर खाना बनावा है? फिर खा फिर पलर जा इलाहाबाद का दाल भात। कितने सालों से खा रहे हो सूरत दाल भात? एक पंचवर्षीय योजना हो गया भाई हमको ज्यादा हो गया 2011 से निकला हूँ यानी तीन पंचवर्षीय योजना दूर मतलब इंटर करने के बाद निकल गया समझो 11 का निकला 23 हो गया ये 2 पंचवर्षीय पूछ रहा तीसरी चल रही है अभी पता नहीं कब तक जिंदगी झंड दाल भात खाए के लिखा ला करे भी आके या करत रे ये सब फालतू क्वेश्चन ना पूछी हम चला खा खाना खा करवाओ ते अबे चुप खाना खाओ।